लंबे वक्त के बाद 3 साल की मासूम को आखिरकार न्याय मिल ही गया। बिहार में 3 साल की मासूम से रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई। ये मामला समस्तीपुर जिले से जुड़ा है, जहां के एडीजे ने पॉक्सो एक्ट के तहत ये फैसला सुनाया है। दरअसल ये घटना दलसिंहसराय थाना क्षेत्र की है। आरोपी रामलाल महतो ने 2 जून 2018 को 3 साल की मासूम बच्चे के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। मासूम बच्चे के साथ जब ये जघन्य अपराध हुआ तो वो अपने ननिहाल में थी। आरोपी ने मासूम की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया था। रेप और हत्या की इस वारदात को लेकर बच्ची के माँ बाप ने दलसिंहसराय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित परिवार उजियारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2 जून 2018 को हुई रेप के बाद हत्या के इस मामले में अदालत ने लगभग 2.5 साल बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष जज ने आरोपी को 376, 302 और 306 पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।